नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। प्रदेश में अनियमित कर्मचारी एक बार फिर से आक्रोश में हैं। इस आक्रोश की वजह है सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी। वहीं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की सेवा समाप्ति पर अपील करने का अधिकार ना होने का निर्देश जारी किया गया था, जिसे अनियमित कर्मचारियों ने प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया है। वहीं इसका विरोध करने के लिए 16 जून को रैली व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह रैली और धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब में किया जाएगा। देखिए, इस संबंध में हमने 2 जून को रविवार को एक मीटिंग रखी थी संयुक्त रूप से, और उसमें निर्णय लिया है कि 16 जून को हम लोग एक ध्यान आकर्षण रैली करेंगे, जिसमें नियमितीकरण के संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पिछले बार घोषणा पत्र में ये बातें थी कि नियमितीकरण किया जाएगा और किसी भी अनियमित कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार ये देखा जा रहा है कि नियमितीकरण तो दूर की बात है और अनियमित कर्मचारियों की लगातार छटनी की जा रही है, एवं उनको ये बोला जा रहा है कि भाई आपका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में है किसी भी अनियमित कर्मचारी को जो है वो छटनी नहीं होगी। इसी संबंध में हमने 16 तारीख को शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक दिवसीय जो है हमने ध्यान आकर्षण रैली का ये आयोजन किया हुआ है। इसी सब को लेकर हमने 16 जून को एक ध्यान आकर्षण रैली का आयोजन किया हुआ है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ईदगाह भाटा धरना स्थल से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर समर्थन करते हुए उनकी सरकार बनने पर नियमितीकरण करने का आश्वासन हड़ताली अनियमित कर्मचारियों के मन से किया था। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों ने सरकार पर विश्वास भी व्यक्त किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद नियमितीकरण की छटनी की जा रही है। पूर्व में क्योंकि जब हमने हड़ताल किया था तो माननीय भूपेश बघेल उस समय विपक्ष में हुआ करते थे, तब उन्होंने एक वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी सबका नियमितीकरण किया जाएगा एवं जो जो लोग भी जिस जिस जगह पर हैं वहीं बने रहेंगे तथा छटनी किसी की नहीं की जाएगी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जितने भी विभाग हैं जहाँ संविदा है वहाँ कुछ जगह रिन्यूअल किया गया और कुछ जगह रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। साथ में जो जितने भी अफसर जो हैं वो फिर से पुराने ढर्रे पे आ चुके हैं और आज भी ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी तो बैठे हैं लेकिन अभी भी जो शासन है वो अफसरों का ही चल रहा है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने ये ध्यानाकर्षण रैली निकाली। इस रैली की खासियत यह रहेगी कि इसमें जो भी कर्मचारी हैं अपने परिवार सहित तो उपस्थित होंगे एवं इस शासन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएंगे। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।